हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया बरेंडी। आज की वीडियो में हम अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थर्ड एडवांस एस्टीमेट जो है वो रिलीज किए गए हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है, आपको पता है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं, ICAR, JRF, SRF, नेट का एग्जाम है या कोई भी दूसरा कम्पिटिटिव एग्जाम है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा रिलेटेड टू जो क्रॉप का आपका लेटेस्ट एरिया है या प्रोडक्शन है या एडवांस एस्टीमेट है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि एज पर द थर्ड एडवांस एस्टीमेट फॉर द ईयर 2021 to 2022 जो बीट प्रोडक्शन है इंडिया में वो कितनी रिकॉर्ड की गई है, राइट? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए ये वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं फॉर द डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, चाहे वो आपका IFCO AGT एग्जाम हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी IFCO का, फिर IBPS का एग्जाम हो या दूसरे NAVAD SRV AO के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो डेटा होता है रिलेटेड टू एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, एरिया टू प्रोडक्शन का जो डेटा होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो कि किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आता है, तो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ही, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, इनके द्वारा जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट है फॉर द मेजर फूड क्रॉप्स वो रिलीज किया गया 19 मई 2022 को, राइट? इसमें आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थर्ड एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो एस्टिमेट की गई है 2021-22 की। अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी, 314.51 मिलियन टन। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो इंडिया की फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितनी रिकॉर्ड की गई है, तो डेट इज 314.51 मिलियन टन, राइट? तो जो कि हम बात कर सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के इसको कंपेयर करें 2020-21 का जो लास्ट ईयर का डाटा था, अगर हम उससे कंपेयर करें तो 3.77 मिलियन टन जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है इस बार, राइट? तो जो एस्टीमेट हैं थर्ड एडवांस एस्टीमेट, उसके अकॉर्डिंग हमने जो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो एस्टीमेट की है 314.51 मिलियन टन, जो कि 3.77 मिलियन टन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर की जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है 2020-21 की, राइट? अब आप देख सकते हैं कि इसके की पॉइंट देखें अगर हम, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 23.80 मिलियन टन्स मोर देन द एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 5 ईयर। अगर हम लास्ट 5 साल की एवरेज लेके चलें, जो कि 2016-17 से 2020-21 की एवरेज लेके चलें, तो उस इन 5 सालों में जो एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई है, तो उससे जो अभी करंट की फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 23.8 मिलियन टन ज़्यादा है, तो लास्ट कंपेरेटिवली 5 साल से, ठीक है, तरह से हम जो है इंडिया पर ग्रो कर रहा है। तो इसमें जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन नोट की है जो मेजर फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें राइस है, मिर्च, पल्सिस हैं, ऑयलसीड क्रॉप्स हैं, राइट, जो चिकपी है, ग्रैम है, रेप सीड है, मस्टर्ड है, ये शुगर कैन जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं, राइट? इसमें हम देखते हैं, अब क्रॉप वाइज अगर हम डाटा देखें, तो अगर हम क्रॉप वाइज डेटा जब देखते हैं तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट है 2021-22 का, उसके अकॉर्डिंग हमने बात कर ली 314.51 मिलियन टन है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के ऊपर देखें, जो लाख का 2020-21 का ईयर था, तो उसके ऊपर कितनी ज़्यादा या कितनी कम हुई है, तो हम देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर है उसके ऊपर 3.77 मिलियन टन ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई है एज कम्पेयर टू 2020-21 के मुकाबले जो 2021-22 की फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। उसी तरह अगर हम पर्टिकुलर क्रॉप्स में आ जाएं, तो राइस की अगर बात कर लें तो 129.66 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन जो है एस्टिमेट की गई है एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट, जो कि मतलब हम देख सकते हैं कि इसमें इंक्रीज ही हुई है प्रोडक्शन राइस की भी, तो 5.29 मिलियन टन का आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है, प्लस का साइन है, मतलब इंक्रीज हुआ है, राइट, 2020-21 के मुकाबले, राइट। अगर हम वीट की बात करें तो 106.41 मिलियन टन है, मतलब 106.41 मिलियन टन है जो है एस्टिमेट की गई है वीट की प्रोडक्शन 2021-22 का जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट है। और ये जो है, अब वीट की प्रोडक्शन की बात करें तो वीट की प्रोडक्शन जो कम हुई है एज कम्पेयर टू 2020-21 की, तो कितनी कम हुई है, 3.18 मिलियन टन जो कम रिकॉर्ड की गई है, ठीक है।
उसी तरह न्यूट्रिय कोर सीरियल की बात करें, जो टोटल न्यूट्रिय कोर सीरियल है 50.70 मिलियन टन प्रोडक्शन इसकी एस्टिमेट की गई है एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट 2020 जो 21-22 का है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन में, 0.62 मिलियन टन का डिक्लाइन हुआ है ओवर द 2020 से 2021 की जो प्रोडक्शन थी। अब मेज की बात करें तो 33.18 मिलियन टन एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट 2021-22 का, और इसमें आप देख सकते हैं कि मेज प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, तो 1.53 मिलियन टन जो है वो बड़ी है मेज की प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2020-21 का, राइट। पल्सिस की बात करें टोटल पल्सिस की, तो 27.75 मिलियन टन है एस्टिमेट की गई है टोटल पल्सिस की, तो टोटल पल्स प्रोडक्शन में भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ओवर द प्रीवियस ईयर 2020-21 में। कितना इंक्रीज देखने को मिला है, 2.29 मिलियन टन ज्यादा प्रोडक्शन हुई है पल्सिस की टोटल पल्सिस के। उसी तरह तुर की बात कर लें तो उसमें 4.35 मिलियन टन है 2021-22 का जो एडवांस एस्टिमेट है, और इसमें भी इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। कितना इंक्रीज हुआ है, 0.03 मिलियन टन का इंक्रीज देखने को मिला है ओवर द 2020-21 के ऊपर। ग्राम की बात करें तो 13.98 मिलियन टन जो है रिकॉर्ड की गई है एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट 2021-2022, और इसमें भी 2.07 मिलियन टन का इंक्रीज हुआ है ओवर द प्रीवियस ईयर। उसी तरह ओलेसिड की बात करें तो 38.50 मिलियन टन है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2.56 मिलियन टन का इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर ओवर द प्रीवियस ईयर। अब टोटल ग्राउंडनट की प्रोडक्शन की बात करें तो 10.87 मिलियन टन रिकॉर्ड की गई है एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट, ठीक है। अब देख ध्यान रखिए, ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट है 21-22 का, ये फाइनल नहीं है, राइट। बट फिर भी ऐसे पूछता है, जो भी लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है उस तरह से पूछा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राउंडनट ने आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, 0.16 मिलियन टन का डिक्लाइन हुआ है ओवर द प्रीवियस ईयर। सोयाबीन की बात करें तो 13.83 मिलियन टन डिक्लाइन, राइट, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1.22 मिलियन टन का इंक्रीज देखने को मिलेगा ओवर द प्रीवियस ईयर। अब रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो 11.75 मिलियन टन नोटिस की गई है एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट 21-22 का। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1.54 मिलियन टन का इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट हम सुगर केन जो कैश क्रॉप्स हैं उसकी बात करें तो सुगर केन में आप देख सकते हैं कि 430.50 मिलियन टन एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2021-22 का। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 25.1 मिलियन टन का इंक्रीज देखने को मिला है सुगर केन प्रोडक्शन में ओवर द प्रीवियस ईयर ऑफ 2020-21। अब इसमें कॉटन की बात कर लें तो कॉटन में 31.54 मिलियन बेल्स। अब कॉटन में एक बेल जो होता है वो डेट इज योर 170 केजी का होता है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि एक वन बेल इन कॉटन इज इक्वल टू 170 केजी, राइट। तो 31.54 मिलियन बेल्स, राइट, कॉटन की प्रोडक्शन जो कम हुई है उसमें 3.7 मिलियन बेल का डिक्रीज हुआ है, राइट, माइनस का निशान है, राइट। अब जूट एंड मेस्टा की बात करें, टोटल जूट एंड मेस्टा की 10.22 मिलियन बेल्स। अब जूट एंड मेस्टा के केस में एक बेल जो होता है डेट इज इक्वल टू 180 केजी के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखना। और जूट एंड मेस्टा की बात करें तो इसमें इंक्रीज देखने को मिला है 0.87 मिलियन बेल्स इंक्रीज हुआ है ओवर द प्रीवियस ईयर, राइट। उर्द की बात करें तो 2.76 मिलियन टन एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट 2021-22 का, इसमें भी 0.53 मिलियन टन का इंक्रीज देखने को मिला है। मूंग की बात करें तो 2.85 मिलियन टन, इसमें भी 0.24 मिलियन टन का इंक्रीज देखने को मिला है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है, इसलिए जो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो नोटिस की गई है एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2021-2022, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसमें से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसमें जो भी फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ कलीग के साथ शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू, स्टे हैप्पी।